इस लेक्चर वीडियो में हम लोग देखते हैं, इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं सारे फार्मूले इसी में कवर कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो इतने ही स्पीशीज से मिलके बना होगा, इसमें ऐसे सिंबल होंगे। और सबसे पहले ये जानते हैं कि यदि ये जो स्क्वायर होता है, ये जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर, या इसे बोलते हैं इंटाइटी। इसे कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलते हैं या इंटाइटी बोलते हैं। और इस ब्रैकेट में जो भी होंगे वो लेगेंड होंगे, और इस ब्रैकेट के बाहर जो ये नंबर लिखा होगा उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और ये जो लेगेंड के लेफ्ट साइड में जो भी मेटल होगा उसे सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, और इस ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में जो भी होगा इसे काउंटर आयन कहते हैं। यदि इस ब्रैकेट के राइट साइड में कोई होगा तो उसे आयनाइजेशन स्फेयर कहते हैं, या उसे कहेंगे आयनिक स्फेयर। अब बात करते हैं नामनक्लेचर ऑफ कैटायन कॉम्प्लेक्स। किसी भी कोई अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या न्यूट्रल कंपाउंड है, तो हम ऐसे को नामनक्लेचर कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें नंबर लिखना है और नेम लिखना है लिगेंड का। जैसे यहाँ पे देखिए फोर है, लिगेंड फोर है, तो कितना लिखेंगे? टेट्रा। इसके बाद एमाइन, मतलब नंबर लिखेंगे, उसके बाद नेम लिखेंगे लिगेंड का। इसके बाद कॉमन नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ये जो सेंट्रल मेटल एटम हैं इनका कॉमन नेम लिखेंगे। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमेरल, इसके बाद इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमेरल में लिखेंगे। इसके बाद नेम ऑफ एनायन लिखेंगे। इसके बाद जो ये एनायन स्फेयर है इस एनायन का नेम लिखेंगे। इसके बाद कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हमें ये ध्यान देना है कि कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जो मेटल है ये सब मेटल हैं, इनका कॉमन नेम लिखना है। किसके केस में? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, ये देखिए ये सारे एनायनिक स्पेस ये स्फेयर हैं, ये सारे एनायनिक स्फेयर हैं। तो ये बताओ ये सारे ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे सारे क्या होंगे? कैटायनिक होंगे। ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैटायनिक होंगे। यदि इस ब्रैकेट के राइट साइड में कोई एनायंस आया है, कोई इस तरह से स्पीसीज आया है, तो ये पूरा चीज होने वाला है कैटायनिक। और यदि इधर कोई आ गया इस ब्रैकेट के, जैसे ये सब स्पीसीज अगर इधर आ जाए, अगर कोई इधर स्पीशीज लगा हो तो ये पूरा हो जाएगा एनायनिक और ये वाला हो जाएगा कैटायनिक। नामनक्लेचर ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, नेम ऑफ कैटायन, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि इस ब्रैकेट के इस साइड में एक मेटल एटम आया है तो ये कैटायन होगा, और ये चीज़ पूरा क्या हो जाएगा? एनायन। तो सबसे पहले इसी का नेम लिखेंगे, नेम ऑफ कैटायन, नेम ऑफ नेम नंबर एंड नेम ऑफ लेगेंड, नंबर एंड नेम ऑफ लेगेंड, और एनायनिक के केस में, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विथ सफिक्स विथ प्रीफिक्स एट, उस मेटल एटम के नाम के आगे क्या लगा देंगे? एट, सफिक्स एट लगाएंगे। फिर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमेरल, तो हम इसका आईपीएससी नाम लिख देंगे इस तरह से। अब सवाल ये है कि डबल साल्ट डबल कॉम्प्लेक्स वाले, जैसे डबल, जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये पूरा हो गया, एक ये हो गया, डबल कॉम्प्लेक्स अगर हैं तो उनका नाम कैसे लिखेंगे? तो याद रखिएगा, पहले वाला जो होगा वो कैटायनिक होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो एनायनिक होगा। तो पहले वाले कंप्लीट द नेम ऑफ कैटायन, पहले वाले कैटायन का नाम पूरा लिखेंगे, इसके बाद कंप्लीट द नेम ऑफ एनायन। जैसे इसका
जैसे इसका होगा देखिए हेक्सा हेक्सा एमाइन, इसके बाद एक कैटाइन है तो कॉमन नेम लिखेंगे क्रोमियम क्रोमियम, थर्ड फिर लिखेंगे हेक्सा साइनो कोबाल्टेट, ये नेगेटिव आयन है इसलिए कोबाल्ट को कोबाल्टेट लिख देंगे, कोबाल्ट मेटल है, मेटल नेम के आगे एट लगा देते हैं सफिक्स। फॉर दिस डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हीट एंड ट्रायल मेथड आर यूज्ड। अब हम बात करेंगे कि कौन से आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करेंगे कौन से नहीं करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दो टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो सबसे पहले ही देख लेते हैं कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ऐसा कॉम्प्लेक्स किस टाइप में होगा, EMA4 होगा, EMA3B होगा, EMA B3 होगा, EMA2B2 होगा, सॉरी EMA4 होगा, EMA3B होगा, EMA B3 होगा, तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। कौन से शो करेंगे, EMA2B2 होगा, EMA2BC होगा, EMA BCD होगा, EMAA2 होगा, ये बाइडेंटेट लिगेंड का साइन है, तो ये सब शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ये नहीं शो करेगा। और सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर के कौन से शो करेंगे कौन से नहीं शो करेंगे, तो EM6 EM सेंट्रल मेटल है और ये लिगेंड है, तो EM6 टाइप, EM5B EM5B टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। शो कौन करेंगे, EMA2B4 टाइप के, EMA3B3 टाइप के, EMAA2B2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। यहाँ पे ये बाइडेंटेड लिगेंड है और ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। अभी हम लोग देख रहे थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, लेकिन हम अब देखेंगे कि कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 होगा जैसे EMA BCD टाइप का, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा लेकिन वेरी रेयर होता है, ऐसे टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी रेयरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लेकिन मोनोडेंटेड लिगेंड में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा तो कौन से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करें कौन से टाइप के, EMA2B2C2 EMA2B2CD EMA2BCDE EMA BCDEF, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो तो करते हैं लेकिन रिजॉल्व नहीं होते हैं, रिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन कौन से शो करते हैं और रिजॉल्व हो जाते हैं, तो बाइडेंटेड लिगेंड में यदि होगा जैसे EMAA3 EMAA2B2 EMAA2BC, ये टाइप के आप ये इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और रिजॉल्व भी होते हैं। यहाँ पे AA बाइडेंटेड लिगेंड होता है। अब बात करें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इनटू वैल्यू ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल इनटू वैल्यू ऑफ ई। फिर से समझिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे कैलकुलेट करें। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इनटू वैल्यू ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल प्लस वैल्यू ऑफ ई। इन दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जहाँ ई की वैल्यू होती है, जहाँ ई की वैल्यू होती है टेट्राहेड्रल में, ए की वैल्यू 0.4 हो जाएगी और 0.6 भी होगी, तो एक जो एनर्जी लेवल होता है उस एनर्जी लेवल पे के अकॉर्डिंग होता है।